बांदा बढ़ते तापमान से पक्षियों की हो रही है मौतें। भीषण गर्मी से तोते और चमगादड़ों की हुई मौत। स्थानीय लोगों ने बदबू आने पर जाकर देखा तो दर्जनों की तादाद में गर्मी से मरे हुए मिले चमगादड़ और तोते। पानी की झलक पाते ही इकट्ठा हो जाते हैं पशु पक्षी। स्थानीय लोगों ने पशु चिकित्सक को दी जानकारी। मौके पर पहुंचकर पशु चिकित्सक ने चार चमगादड़ों को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला अतर्रा थाना क्षेत्र के केन केनाल कोठी के पास का। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन के साथ बीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ क्या है, पक्षी उच्चों के पानी की व्यवस्था क्या नहीं थी जिससे चमगादड़ों की इतनी भारी मात्रा में मृत्यु हुई है, उसका कारण क्या है? स्थानीय पालिका और डॉक्टरों की टीम क्या कर रही है? प्रशासन क्या काम कर रहा है? देखिए, यहाँ पानी के पक्षियों के पीने के पानी कोई व्यवस्था नहीं थी। नगर के समाज सेवियों की जब निगाह ऑक्सीजन पार्क पर पड़ी तो इतने से तो पत्ते भरे थे, धीरे धीरे साफ करते रहे। लेकिन कल सुबह जब समाज सेवी यहाँ आए तो देखा बहुत भारी संख्या में चमगादड़ यहाँ मरे हुए पेड़ों पर लटके हुए हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि चूंकि परसों टेम्परेचर 49 था, 49 डिग्री टेम्परेचर होने के चलते हीट वेव से उन पंछियों की मृत्यु हुई। रही बात पानी की पीने के लिए, तो समाज सेवियों ने एक छोटा सा तालाब वहाँ अपने हाथों से खोद करके पक्षियों के पानी के पीने की व्यवस्था की है। एक तालाब उस तरफ भी खोदा गया, उस पर उस तक अभी पानी नहीं पहुँच पाया है। और कल डॉक्टरों की टीम आई थी, वह यहाँ से चमगादड़ों को एक दो चमगादड़ ले गई है, उनका पीएम किया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि मरने के वास्तविक कारणों का पता चल सके, क्यों मृत्यु हुई है। नगर पालिका के कर्मचारी, दो तीन कर्मचारी आए हैं, उन चमगादड़ों को उठा करके सुरक्षित स्थान पर उन्हें दफनाने की भी व्यवस्था की जा रही है।